धार जिले में हुई मॉब लिंचिंग की निर्मम वारदात से हर कोई हैरान है। शांति का टापू माने जाने वाले मध्य प्रदेश में हुई इस तरह की घटना ने सभी को झकझोर कर रख दिया है। वहीं इस घटना को लेकर चौतरफा आलोचनाओं का शिकार हो रही कमलनाथ सरकार ने इस मामले की जांच के लिए सख्त आदेश दे दिए हैं। देखिए खास रिपोर्ट। धार जिले के बोरले गांव में कुछ युवकों ने 7 लड़कों को घेर कर बुरी तरह पीटा। बताया गया कि गांव में बच्चा चोरी की अफवाह फैलाई गई थी, उसके बाद युवकों को बच्चा चोर बताकर गांव के लोग उन पर लाठी डंडों के साथ टूट पड़े। युवकों को चारों तरफ से घेर कर बुरी तरह पीटा गया। खून से लथपथ युवक तड़पते और चीखते रहे, लेकिन आरोपी उनके सिर और शरीर पर बुरी तरह से लाठी डंडे बरसाते रहे। भीड़ ने युवकों के सिर पर पत्थर दे मारे। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस घटना स्थल पर पहुंची। हालांकि तब तक काफी देर हो चुकी थी और एक युवक दम तोड़ चुका था। वहीं घायलों को उपचार के लिए इंदौर रेफर कर दिया गया है। हमारे यहाँ पे वर्कर्स काम करने आए थे जो पैसे लेके भाग गए थे हमारे, मतलब एडवांस पेमेंट ले लिया था उनने और काम करने नहीं आए घर पे, खेत पे। तो उनने बोला कि पेमेंट आपका हम पेमेंट दे रहे हैं, तो वो पेमेंट लेने आ जाओ आपके पैसे। तो वहाँ पैसे लेने गए तो उनने पथराव कर दिए, पत्थर और डंडे डंडे मारना चालू कर दिया और घसीटा और मारा उनको, और आरोप लगा दिया कि बच्चों चोर है, तो बहुत मारा उनको। चार को लेके आए, रविंद्र, विनोद और जगदीश और नरेंद्र, चार जो ने, जिनमें से एक की हालत थोड़ी सी गंभीर है, उन्हें थोड़ी ज्यादा लगी हुई। मामले के फैलते ही सरकार के मंत्री और प्रशासनिक अमला हरकत में आ गया। स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट और युवा कल्याण खेल मंत्री जीतू पटवारी ने चौथराम अस्पताल जाकर घटना में घायल हुए युवकों से मुलाकात की। इसके अलावा मंत्री पटवारी ने गुरुवार सुबह उज्जैन जाकर मृतक के परिजनों से मुलाकात की। इसके जाँच के निर्देश दे दिए गए हैं, एक वो भी SIT भी गठित की जा रही है, तीन लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है, तीन लोगों को जो चिन्हित हो गए हैं, तीन को गिरफ्तार कर लिया गया है, कम से कम 30 से 40 लोग चिन्हित हो चुके हैं। इनका इलाज सरकार निःशुल्क कराएगी। जो एक दुखद घटना सांवेर की हुई है, उनको 2 लाख का मुआवजा भी हम दे रहे हैं। ये पर एक मुआवजा कोई एक उचित बात नहीं है। जिस परिवार का कोई व्यक्ति चला जाए, इससे दुखद घटना कुछ नहीं हो सकती, उसकी भरपाई कोई भी नहीं कर सकता, ये ईश्वर ही कर सकता है। और ऐसी घटनाएं कभी भविष्य में ना हो, इस पर भी हम सावधानी बरतेंगे। इस पर जितनी भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा सकती है सरकार करेगी। मुख्यमंत्री जी ने सीधे संज्ञान में लेके निर्देश दिए, 24 घंटे में सब अपराधी जिनने भी इस भयावह दुर्भाग्यपूर्ण घटना में सहयोग किया या अभियुक्त बने, मैं मानता हूं कि मुख्यमंत्री के निर्देश हैं कि 24 घंटे में उनकी गिरफ्तारी होगी। पुलिस विभाग के की लापरवाही क्या थी, थाने की क्या लापरवाही थी, इसको लेकर भी निर्देश दिए गए। जो अपराधी होते हैं वो किसी विचारधारा के तो नहीं होते हैं, ये मैं मानता हूँ, पर जो अपराधी होते हैं वो ऐसी मानसिकता से ग्रसित होते हैं जो भीड़ के साथ इस तरह की हैवानियत करते हैं। बस इस मानसिकता के खिलाफ हमें लड़ना है। मैं मानता हूँ कि अलग अलग समय पे अलग अलग देश भर में भीड़ के साथ जो हमले होते हैं, हत्याएँ होती है, ये वैसी मानसिकता थी और ऐसी मानसिकता को ये सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। मैं सांवेर गया था उस परिवार के साथ, जो परिवार का सदस्य जहां इस घटना से जिसने अपना जीवन दान दिया है, और मैं सारे
परिवार के चार साथियों से मिला जो घायल है, एक की छुट्टी हो गई है। सब जो भर्ती है वो आउट ऑफ कंट्रोल में, उनकी स्वास्थ्य की स्थिति कंट्रोल में है पूरी। मैं मानता हूँ कि जरूर घटना भयावह है, परिस्थिति सारी नियंत्रण में है, पर दुर्भाग्य ये है कि ऐसी घटना अब न हो, इसके लिए शासन प्रशासन हर किसान परिवार के साथ इस तरह का व्यवहार, ये मजदूरों को रखना, खेती में काम करने के लिए अलग अलग तरीके के, हर बार ऐसी व्यवस्था, कई बार ऐसी घटनाएं घटती है, इस पे कैसे लगाम लगे, इसको लेकर कानून भी बनाया जाए। वहीं घटना को डीजीपी वीके सिंह ने काफी दुखद बताया और लोगों से मीडिया के जरिए अफवाहों पर ध्यान ना देने की अपील की है। डीआईजी ने पुलिसिया कार्रवाई के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि एक एसआईटी की टीम गठित कर मामले की छानबीन शुरू कर दी गई है। मनावर में तीन अरेस्ट हुए हैं, तीन लोग अरेस्ट हो गए हैं। दुखद घटना है, बहुत ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है इस तरह की घटना होना, और ये मानसिकता पे हम लोगों को ध्यान देने की आवश्यकता है। पुलिस जितना उसमें कर सकती है ज़रूर करेगी। मैं आपके माध्यम से भी कहना चाहूँगा, समाज से अपील करना चाहूँगा, बिना देखे बिना सोचे समझे किसी भी हिंसात्मक गतिविधि का अंग ना बने, और ये यहाँ पे हुआ इस तरह का, और इस तरह की अफवाहें पहले भी चली थी। बड़ा बाजार गर्म रहा था और उस समय एक देशव्यापी अभियान चलाना पड़ा था उसको कंट्रोल करने के लिए। तो आप लोगों से भी मेरी अपील है कि आपके माध्यम से भी देखिए, पुलिस की एक लिमिटेशन है, हालांकि पुलिस अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती। हमने कार्रवाई की है पुलिस के खिलाफ, एक TI और एक सब इंस्पेक्टर, तीन चार अन्य लोगों को सस्पेंड किया है इसमें, उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई होगी। लेकिन जहां मॉब आ जाता है वहां पे उसको कंट्रोल करने के लिए वो लोग भी उसमें सम्मिलित होने चाहिए थे जो वहां देख के वीडियो बना रहे थे। तो पुलिस कर्मियों के खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई होगी जिनकी लापरवाही मिलेगी, और जो दोषी थे उनकी आइडेंटिफिकेशन हो गई है, तीन लोग अरेस्ट हो गए हैं, बाकी खिलाफ भी कार्रवाई होगी। इस कल की जो घटना थी उसको लेके जो भी अपराध दर्ज हुआ है और इस पूरी घटनाक्रम के लेके हमें एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम गठित कर दी गई है, और वो जितने भी लोग चिन्हित होते जा रहे हैं अब इन्वेस्टिगेशन चालू हो गया है, और हमारी अलग अलग जगह पार्टियां भी गई हुई हैं, और उसमें जो भी दोषी रहेगा उसके ऊपर कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। अब अभी उसमें एग्जैक्ट संख्या बता पाना संभव नहीं है, पर हाँ जितने लोग भी हमको पता चलते जाएंगे इन्वेस्टिगेशन के दौरान और जो भी साक्ष्य जैसे जैसे आते जाएंगे हम कार्रवाई करते जाएंगे। कुल मिलाकर जिस तरह 500 से ज्यादा लोगों की भीड़ ने बेरहमी से निहत्थे युवकों को पीटा है वो वाकई में काफी डराने वाला है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि युवक रहम की भीख मांगते रहे मगर किसी शख्स ने मदद नहीं की, लोग वीडियो बनाने में मशगूल दिखे। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, Indore.